इस समय हम छनेरा नया हरसूद में फिलगुड चौराहे से रेलवे स्टेशन रोड जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो नगर परिषद ने बीते दिनों जो 84 लोगों को नोटिस बांटे हैं उसमें इस चाल के भी लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं और सभी लोग अपनी बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी लोगों का ये कहना है कि बीते दिनों जो नगर परिषद के चुनाव हुए उसमें तो नेताओं ने बड़े बड़े दावे और वादे किए कि इनको किसी तरह की कोई समस्या होगी तो उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन आज इनको नोटिस मिलने के बाद इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और कोई इनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। 24 घंटे के नोटिस के साथ इनको हटाने की चेतावनी दी गई है नगर परिषद की तरफ से, और नोटिस मिलने के बाद इनके सामने रोजी रोटी का ना केवल संकट है बल्कि इनके परिवार के लोग भी परेशान हो रहे हैं। ये अधिकांश लोग जो है डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, मतलब स्थिति ये है कि 100-200 रुपए रोज कमाने वाले ये लोग हैं। आप देख सकते हैं कि सभी अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? भैया रामनाथ वर्मा। वर्मा जी क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे साहब, अब तो भूखे मर जाएंगे ऐसे में हम। अच्छा, अगर ये हटा देंगे हमको 100-200 रुपए कमाने से भी वंचित हो जाएंगे जी, तो क्या ये इनके घर के ला के देंगे हमको जी? बताइए आप। ठीक है, हैं 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया इनने जी, तो किस बेस पे दिया हमको ये तो बताइए कि हमारा कसूर क्या है, कौन सा रोड बाधित हो रहा है हमारे कारण जी, कौन सी हमारी गाड़ी घोड़े सामने खड़े हुए हैं बताइए आप। ठीक है, 40 फीट अंदर है हम, उनके मुताबिक 40 फीट अंदर है, उसके बाद भी नोटिस, तो किस बात का नोटिस, हम ये पूछना चाह रहे थे तो कोई जवाब नहीं मिला हमको। वर्मा जी का कहना है कि 40 फीट से अंदर है ये और इनको जो नोटिस दे दिया है तो ये खाएंगे क्या? यदि इनकी दुकान उजड़ गई तो इनके पास कमाई का तो कोई दूसरा साधन भी मौजूद नहीं है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? दीपक करोड़। क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि 100-200 रुपये रोज की कमाई है जी, जमाने भर का कर्जा है, बीवी बच्चे कैसे पालेंगे जी। अब ऐसे में इन्हें 24 घंटे के अंदर हटाने का नोटिस दे दिया है जी, सामने त्यौहार है जी, जगह भी नहीं दे रहे जी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ कमाएंगे जी। हम ये चाहते हैं कि दूसरी जगह भी नहीं, कोई दूसरी जगह भी नहीं है हमारे पास। सामने एक बार बोला था कि आपको वहाँ अब हम कहाँ जाए जी जी जी। हमारा इतना ही कहना है कि हमको व्यवस्थित तरीके से यहाँ बैठने दिया, कुछ गलती हो तो माफ करें हमको, बस जी जी जी। बस यही कहना है। ठीक है, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया आप इधर ही दुकान है अपनी? सर हम उधर सामने रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर हम इतने साल से जा रहे हैं सर, हमको अभी हटा देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? अच्छा। ना हमको जगह देती है नगर पंचायत। अच्छा। आप जगह देते हम उधर बैठ जाएंगे, जाके जगह देते तो हम वहाँ बैठ जाएंगे। अब जहाँ मेन रोड पर हमको दिक्कत नहीं है, आप बाजार में से बाजार में ट्रैफिक होता जहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं होने देते हम। हमारी दुकान 40 फीट है, अब हम गरीब आदमी हैं, हम तो खाते टक लाते, अब हम झाँसे उठ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? तेजराम यादव। यादव जी क्या कहेंगे आप? सर ये हमारी दुकान आ गया, गैरेज है, ट्रैक्टर गैरेज है, 100-200 रुपए रोज कमाने वाले लोग हैं, उसके बाद हम आज यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, इसी बात तक किसी को दिक्कत नहीं आई है, लेकिन हमने यही कारण पूछा कि हमको कारण तो बता दो कि भाई हमसे क्या समस्या है, तो कारण भी नहीं बताया और बोला आपको 24 घंटा में हटाना है तो हटा के जाएंगे काम। अच्छा, हम तो डूब क्षेत्र के आए हुए हैं। कहाँ से आए? हरसूद से आए। अच्छा, हमने कुछ व्यवस्था है दुकान की कुछ भी नहीं, तो कहीं जगह दी जाए जी। यादव जी पुराने हरसूद से आए हुए हैं और ट्रैक्टर गैरेज चलाते हैं, और इनका ये कहना है कि इनको जो नोटिस मिला है तो ये कहाँ पर जाएंगे, इनके सामने तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? भैया क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है भैया? हरि सिंह राजपूत। सर राजपूत जी क्या कहेंगे आप? सर ये अतिक्रमण नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा रोजगार यहीं से चलता है। अच्छा, और हमारी जो दुकान है वो रोड के नियम से सब बाहर है, अतिक्रमण एरिया से बाहर आती है, रोड में नहीं आती है, और ये क्या कारण किस लिए हमें इसका पता भी नहीं चला, और ये अतिक्रमण किस कारण बुलवा लिया गया है इसके बारे में या तो बताया जाए। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। भैया आपकी इधर ही दुकान है ना? काय की दुकान है आपकी? गैरेज है आपका? गैरेज की दुकान। विनोद। विनोद भाई क्या करते हैं आप? मोटरसाइकिल काम करते हैं। अच्छा, नोटिस आपको भी मिला है? बिल्कुल मिला ना। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि कोई पता ही नहीं लग रहा, अधिकारी बोलते हैं कि तुमको मालूम है तो मालूम क्या आखिर को। अच्छा भाई, तुमको मालूम है किस हिसाब से तोड़ रहे हैं, तो हमको मालूम ही नहीं, तुमने नोटिस दे दिया 24 घंटे के, बोले तोड़ो तो किस हिसाब से दिए। हाँ, और एक ही लाइन से क्या लेन देन है इसका, ये कौन सा मुद्दा अधिकारी होगा? अच्छा भाई, टूटे तो या तो पूरा हरसूद में जितने अधिकारियों में सब टूटे, छोटे से लेकर बड़े तक। अच्छा, बड़े बड़े अधिकार, बड़े बड़े लोगों ने तो अच्छे नाले और इस पर सब पूरा अधिक्रमण करके बेच दिए, और यहाँ 2 रोटी कमा रहे हैं, इस पर तो उंगली करने बैठे भाई, नेतागिरी की जगह पे। अच्छा, हमको उससे क्या लेन देना? सही बात है, हम तो हमारा काम धंधा करेगी, तुम्हारी नेतागिरी में जाए। हाँ,
विनोद भाई गैरेज संचालक हैं और इनका ये कहना है विशुद्ध रूप से ये रोजी रोजगार के लिए मजदूरी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनका ये कहना है कि किसी राजनीतिक खुन्नस या रंजिश के चलते इनको यहाँ से हटाने की कवायद की जा रही है। इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इनका घर चलाना है और डेली जो ये सुबह से शाम तक 100-200 रुपये कमाते हैं इसी से इनका घर चलता है। और कौन लोग भैया अपनी बात कहना चाहते हैं? आ जाओ भैया, कोई बोलना चाहता है? आप भैया आप इधर ही दुकान चलाते हैं जी? क्या नाम है आपका? राजलोवंशी। लोवंशी जी क्या कहेंगे आप? भैया पहले जगह दो उसके बाद दुकान हटाओ। अच्छा, अब जाएंगे कहाँ यहाँ से हट के? हाँ ये कहना चाहेंगे। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं भैया, आप क्या कहेंगे? भैया आपका क्या नाम है? जय सिंह यादव। यादव जी क्या कहेंगे आप? अगर हम यहाँ से दुकान हटा दें हम करेंगे क्या? यहाँ बड़ी मुश्किल से 100-200 रुपए कमाते हैं। अच्छा, जय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि 100-200 रुपए बड़ा मुश्किल कमाते हैं, यहाँ से दुकान हट जाएगी तो क्या करेंगे? अग्रवाल जी आप इधर ही दुकान है आपकी? और कौन अपनी बात कहेगा? भैया हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईद खान है। सईद खान जी आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं छोटी सी एक दुकान है, वेल्डिंग मशीन की छोटी मशीन है। हाँ। हम 100-200 रुपए कमाने वाले हैं आदमी, आप हमसे यहाँ से हट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे अब जी? हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी लोग हैं लगभग अधिकांश लोगों से हमारी बात हो चुकी है और जो नगर परिषद ने जो नोटिस जारी किए हैं तो सभी लोग परेशान हैं और सभी मांग करते हैं कि पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, इन्हें अन्यत्र किसी स्थान पर इनके दुकान चलाने के लिए इन्हें जगह आवंटित की जाए। और साथ में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास नई जगह पर जाने के लिए पैसे भी नगद व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन लोगों को लोन की भी सुविधा दी जानी चाहिए। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। इस मामले में और आगे क्या होता है हर अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।